चलिए बात करते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर की। खबर भोपाल से आपको बता दें, जहां एमसीयू में हंगामा कम होने का नाम नहीं ले रहा है और 23 छात्र छात्राओं को निष्कासित कर दिया है। कल ये कार्रवाई की और विश्वविद्यालय प्रबंधन ने 23 छात्र छात्राओं को निष्कासित कर दिया है। आपको बता दें कि जो गेस्ट फैकल्टी थे, एडजस्ट फैकल्टी थे, उनको हटाने की मांग को लेकर बीते कई दिनों से ये छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय परिसर में हंगामा कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि इन्हें हटा दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जातिगत टिप्पणी की गई थी उसी को लेकर ये विद्यार्थी विरोध कर रहे थे और बीते कई दिनों से विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया जा रहा था। लेकिन निष्कासित विद्यार्थियों की यहां एक बात नहीं सुनी गई और कल कार्रवाई करते हुए 23 छात्र छात्राओं को यहां से निष्कासित कर दिया गया। 23 छात्र छात्राओं को निष्कासित किया गया है। दिलीप मंडल के जातिगत टिप्पणी को लेकर ये विरोध कर रहे थे, लेकिन निष्कासित विद्यार्थियों की यहां एक नहीं सुनी गई और विश्वविद्यालय प्रबंधन ने कार्रवाई करते हुए 23 छात्र छात्राओं को निष्कासित कर दिया है। इसी को लेकर बताया आपको कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी बयान आया और ये कहा कि लोकतंत्र को कुचलने का ये प्रयास किया जा रहा है, इस षड्यंत्र को हम कामयाब नहीं होने देंगे और विश्वविद्यालय जो है बच्चों का भविष्य खराब कर रहा है। तो ये बयान भी शिवराज सिंह चौहान का आया है और 23 छात्र छात्राओं को निष्कासित कर दिया है। बीते कई दिनों से यहाँ पर हंगामा हो रहा है और जो प्रोफेसर है दिलीप मंडल, जिस तरीके से कक्षाओं में विद्यार्थियों से बात की जाती है, वर्ग विशेष, व्यक्ति विशेष और धर्म के आधार पर बात की जाती है, जातिगत टिप्पणी सोशल मीडिया पर विद्यार्थियों को लेकर जिस तरीके से की जाती है, उसे लेकर हंगामा यहाँ पर हो रहा था और विरोध कर रहे थे एमसीयू के विद्यार्थी, लेकिन इनकी एक नहीं सुनी गई और कल 23 छात्र छात्राओं को निष्कासित कर दिया गया। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। विकास, जानना चाहेंगे कल निष्कासित किया गया है 23 छात्र छात्राओं को, क्या कुछ अपडेट्स? दरअसल पिछले कई दिनों से जब से वहां विवाद शुरू हुआ था 14 दिसंबर से, उसके बाद से जो है विश्वविद्यालय प्रबंधन है वो उन छात्रों की तलाश कर रहा था जो इस आंदोलन में शामिल थे। विश्वविद्यालय का उद्देश्य सीधे तौर पर विश्वविद्यालय का उद्देश्य, क्योंकि एग्जाम जो है 23 दिसंबर से होने वाले हैं, उससे पहले विश्वविद्यालय चाहता है कि इनमें से जो अधिकांश जो छात्र हैं इनको एग्जाम का भय दिखाकर इनसे माफीनामा लिया जाए, जिसके चलते कल देर शाम 23 जो है स्टूडेंट्स को निष्कासित किया है। अब ये स्टूडेंट्स जो है एग्जाम नहीं दे पाएंगे। हालांकि विश्वविद्यालय ने उनको एक विकल्प छोड़ा है कि वो विश्वविद्यालय को अपील कर सकते हैं और वो ये साबित करेंगे कि हम इस पूरे आंदोलन में हमारा कोई लेना देना नहीं है, जिसके बाद जो है उनको दिया जाएगा, उनको मौका दिया जाएगा विश्वविद्यालय की तरफ से। जी जी बिल्कुल विकास, अब क्या कार्रवाई की जाएगी? जिस हिसाब से निष्कासित किया गया है छात्रों को, उनका भविष्य कहीं ना कहीं संकट में है, अब क्या कार्रवाई की जाएगी? फिलहाल इस ये जो पूरा मामला है, इस मामले में पूरी तरीके से अब राजनीति हावी हो गई है। मामला बहुत छोटा सा था, लेकिन अब जिस तरीके से इस मामले को पेश किया जा रहा है, इसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है, भोपाल की जो सांसद हैं प्रज्ञा ठाकुर, उन्होंने भी ट्वीट किया है और इस कार्रवाई को गलत बताया है। इसके अलावा बहुत से अन्य जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उन्होंने ट्वीट किया है और आज एक समूह जो है वो विश्वविद्यालय में आएगा और विश्वविद्यालय में आके जो है इन छात्रों का जो निष्कासन है उसके खिलाफ वहां पर प्रदर्शन करेगा। तो ये पूरा मामला है। वहीं दिलीप मंडल, जिन पर आरोप लगा था, जो विश्वविद्यालय के एडजंक्ट प्रोफेसर हैं, दिलीप मंडल ने खुद देर रात ट्वीट करके कहा है कि ये जो बच्चे हैं इनको, इन पर ये जो कार्रवाई की गई, इनको निष्कासित किया गया है, इनको हटाया जाए, ये आरएसएस के बहकावे में आ गए हैं, इस तरीके का उन्होंने देर रात ट्वीट भी किया है। तो अब ये जो पूरा मामला है ये विश्वविद्यालय से अलग हट के पूरी तरीके से उसमें जो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, आरएसएस वर्सेस कांग्रेस, ये पूरी तरीके से जो मामला है वो इसमें तब्दील हो गया है। जी चलिए शुक्रिया विकास तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से विश्वविद्यालय का ये पूरा मामला था, अब इसने कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप ले लिया है और इसी के चलते शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट भी आया और ये बात भी उन्होंने कही कि
इस षड्यंत्र के तहत ये पूरी कार्रवाई की गई है। साथ ही ये भी आपको बता दें कि भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ने भी उपराष्ट्रपति से इसे लेकर मुलाकात की है और जिस तरीके से पूरा हंगामा एमसीयू में बरपा है उसी की जानकारी भी दी। तो बताएं आपको कि इस पूरे मामले में एमसीयू में जिस तरीके से बीते कई दिनों से हंगामा हो रहा है इसे लेकर साध्वी प्रज्ञा ने भी उपराष्ट्रपति से मुलाकात की और ट्वीट कर इस पूरी स्थिति को जो है निंदनीय बताया और ये भी कहा कि ये जो परिस्थिति है वो बहुत गलत है और ये तानाशाही छात्रों की पत्रकारिता को और निखारेगी। ये बात भी उन्होंने इससे पहले ट्वीट कर कही। साथ ही हिम्मत से ही न्याय होगा विद्यार्थियों से ये बात भी उन्होंने कही, ट्वीट भी किया और फिर उपराष्ट्रपति से मुलाकात की और ट्वीट भी किया। साथ ही शिवराज सिंह चौहान का भी ट्वीट सामने आया और विद्यार्थियों के साथ वो है ये कहा कि षड्यंत्र के तहत ये पूरी कार्रवाई की गई है और बच्चों का भविष्य जो है वो विश्वविद्यालय इस तरीके से खराब कर रहा है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से पूरा आंदोलन हुआ था, विरोध हुआ था, जातिगत टिप्पणी को लेकर यह हंगामा बरपा था, उसने कहीं ना कहीं अब राजनीतिक रूप ले लिया है। उपराष्ट्रपति से भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ने मुलाकात की। शिवराज सिंह चौहान का भी बयान सामने आया कि ये पूरी कार्रवाई जो है वो तानाशाही के चलते की जा रही है और ये भी उन्होंने कहा कि षड्यंत्र ये रचा गया है, लोकतंत्र को कुचलने का ये प्रयास है। जिस तरीके से पूरी कार्रवाई माखनलाल मिकल की गई और 23 छात्र छात्राओं को निष्कासित किया गया,